जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, सप्ताह के सभी दिनों का स्वामी एक एक ग्रह होता है और यह संबंधित ग्रह उस दिन जन्म लेने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर अपनी प्रकृति की गहरी छाप छोड़ता है। सप्ताह के सभी दिनों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का जन्म जिस दिन हुआ हो, उस दिन के प्रभाव से व्यक्ति का व्यवहार, उसका चरित्र और उसकी उम्र भी प्रभावित होता है। आज बात करते हैं कि सप्ताह में किस दिन पैदा होने वाले व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है और वह कितने दिन तक जीवित रह सकता है और उसकी क्या परेशानियों है। दोस्तों, वीडियो आप अंत तक देखें, तभी आपको सभी बातें समझ में आएगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सोमवार को पैदा होने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। दोस्तों, सोमवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति चंद्र के प्रभाव के कारण बुद्धिमान और शांत स्वभाव का होता है। ये लोग अपने मधुर वाणी से अन्य लोगों को अपनी ओर सरलता से मोहित कर लेते हैं। ऐसे लोग स्थिर स्वभाव के और सुख दुख दोनों स्थिति में समान रूप से व्यवहार करने वाले होते हैं। इनकी उम्र 84 वर्ष मानी गई है। दोस्तों, मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति मंगल के प्रभाव के कारण जटिल स्वभाव वाले, दूसरों के काम में गलतियां निकालने वाले, युद्ध प्रेमी, पराक्रमी, अपनी बातों पर कायम रहने वाले और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले होते हैं। ये बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनकी उम्र 74 साल होती है, लेकिन 22 साल के बाद बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, बुधवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति बुध के प्रभाव के कारण मीठा बोलने वाले, पढ़ाई में रुचि रखने वाले, ज्ञानी, लेखक और संपत्तिवान होते हैं। ये अन्य लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। इन पर बुध ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। ये बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। अपने सामने अच्छे से अच्छे व्यक्ति की बोलती बंद कर देते हैं। इस दिन जिनका जन्म होता है वे 64 वर्ष तक जीते हैं। ये परिवार में भाई बहन माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति बृहस्पति के प्रभाव के कारण विद्या में निपुण, धनवान, ज्ञानी, विवेकशील और उत्तम सलाहकार होते हैं। ये लोग दूसरों को उपदेश देने में हमेशा आगे रहते हैं। साथ ही इन्हें लोगों से मान सम्मान प्राप्त करने और प्रसिद्धि पाने की तीव्र इच्छा होती है। अपने विचारों को दूसरों के सामने बहुत अच्छी तरह से पेश करते हैं, इसीलिए लोग इनसे जल्दी प्रभावित होते हैं। गुरुवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और साहसी होते हैं। इनको 7, 12, 16 और 30 साल की उम्र में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ डीडीडीएच सकता है। इनकी उम्र 85 साल है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति शुक्र के प्रभाव के कारण स्वभाव से चंचल, भौतिक सुखों में लिप्त रहने वाले, तर्क वितर्क में होशियार, धनवान एवं तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं। इन लोगों की ईश्वर में आस्था कम होती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए इनको हर भौतिक सुख प्राप्त होता है। ये लोग साहित्य, कला और संगीत के बहुत प्रेमी होते हैं। इनको 20 और 24 वर्ष की आयु में मुसीबतों का सामना करना पड़ीडीडीएच सकता है। इनकी उम्र 60 वर्ष मानी गई है। दोस्तों, शनिवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति शनि के प्रभाव के कारण कठोर स्वभाव वाला, पराक्रमी, परिश्रमी, दुख सहने की गजब शक्ति वाला, न्यायी एवं गंभीर स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को सेवा करने के कारण प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। इनको अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ये लोग बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। शनिवार के दिन जन्मे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष तक मानी गई है। दोस्तों, रविवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति सूर्य के प्रभाव के कारण तेजस्वी, चतुर, गुणवान, उत्साही, दानी, लेकिन थोड़ा गर्व रखने वाला और पित्त प्रकृति का होता है। रविवार को जन्म लेने वालों को गुस्सा बहुत आता है। कला और शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान पाते हैं। रविवार के दिन पैदा हुए लोग किसी के अधीन कार्य नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन सोच समझ कर बोलते हैं। इनकी उम्र 60 वर्ष मानी गई है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राम।